ये बहुत ही खुशी की बात है, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 3 अगस्त 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में एक मैंने पत्र लिखा था कि हमको मालूम नहीं अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, लेकिन कम से कम अयोध्या के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण केंद्र बनाया जाए, जहाँ पर उनके बारे में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम हो, एक दर्शक दीर्घा हो, एक बहुत अच्छा पुस्तकालय हो, और वहाँ पर एक ऐसा शोध केंद्र बनाया जाए ताकि लोग भगवान राम के जीवन पर या रामायण पर या वैदिक संस्कृति के ऊपर शोध कार्य कर सकें और देश और विदेश के लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल का काम कर सकें। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि भगवान राम बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और अधिसंख्य मुसलमानों के भी पूर्वज रहे हैं। जी सर, लेकिन ये बनाया जा रहा है उस चीज को लेकर जो वहाँ की सरकार के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट की अवमानना न किया जाए। देखिए, बात जो है वहाँ पर संग्रहालय बनाने में तो उसको कोर्ट की कोई मनाही नहीं है, वहाँ राम मंदिर बनाने के लिए अभी कोर्ट में मामला है। और मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी बने, और मुझे लगता है सब पक्ष अगर मिलकर के बात तय करें तो जल्दी से वहाँ राम मंदिर बन सकता है।